हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर के सराफा बाजार में निकट स्थित गादिया मार्केट में बुधवार रात करीब 2:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 मंजिला शोरूम और 6 दुकानों में रखा करोड़ों रुपए की साड़ियां, वेश, शेरवानी, साफे आदि जलकर राख हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक व जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। आग लगने के 2 कारण सामने आए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दीपावली को लेकर किसी दुकानदार ने दुकान में ही पूजा की और बाद में घर चले गए। दीपक दुकान में रखी गादी पर गिरने से आग लगी होगी। वही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देर रात हुए आगजनी के एक हादसे ने दीपावली का मजा किरकिरा कर दिया। रात करीब 2:31 पर गादिया मार्केट में रहने वाला चोटीला निवासी प्रकाश सिंह पीने का पानी लेने बाजार से गादिया मार्केट पहुंचा। उसे धुआं उठता नजर आया, जिस पर उसने बिल्डिंग पर लिखे नंबर पर फोन कर सूचना दी। करीब 3 बजे तक नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गली होने के कारण जहां आग लगी थी वहां तक फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाई, जिसके चलते और पाइप जोड़कर बिल्डिंग तक ले जाया गया। 3 बजे से 7:30 बजे तक फायर ब्रिगेड के 30 से अधिक कर्मियों ने स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से आग पर काफी हद तक काबू पाया। हालात का जायजा लेने विधायक ज्ञानचंद पारक, उप मुख्य सचेतक मदन राठौर, सभापति महेंद्र बोहरा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।